देश व प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, क्योंकि न ही कोई मीडिया कर्मी, ना ही कोई अधिकारी व ना ही कोई आम नागरिक अपनी जुबान खोल सकता है। जो भी अपनी जुबान खोलता है उसके खिलाफ मौजूदा सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए रेत डालने का काम करती है व अन्य तरीकों से उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। आपको बता दें कि शैलजा अशोका नर्सरी करनाल में स्थित कांग्रेसी नेता जोगेंद्र नली व कांग्रेसी महिला नेत्री निशा चौधरी के आवास स्थान पर पहुंची थी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मीडिया को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है और किसान यूनियन अपने स्तर पर आंदोलन को तेज कर रही है। उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की कड़ी निंदा की है। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जब भी विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। उन्होंने कहा किसान सड़कों पर है परंतु सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इनके मंत्री किसानों की शहादत को मजाक बना रहे हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में किसान इनको देंगे। आईपीएस अधिकारी अशोक चौहान के मामले पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि क्या ये लोकतंत्र है कि कोई भी अधिकारी अपनी बात नहीं कह सकता। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। उन्होंने करनाल को सीएम सिटी कहने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि क्या सीएम सिटी की सड़कों की हालत इतनी बदहाल होती है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। इस मौके पर असन से विधायक शमशेर सिंह गोगी, बंता राम वाल्मीकि, जोगिंदर नली खुर्द, राजेंद्र सिंह बल्ला के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदन में भी और बाहर भी सड़क पर भी चल रहा है, वो हमारा कार्य है। किसान संगठन अपनी नीति खुद तय करते हैं। राम भक्त जैसे बताया जा रहा है रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक आईपीएस अधिकारी के सस्पेंशन को लेकर आपके क्या विचार है? एक तरफ अगर आम आदमी कोई कंप्लेन करता है तो लोकतंत्र है ना, खुलापन है। आप देख सकते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, बेशक प्राइवेट में भी कहीं प्राइवेट में भी कुछ बोलेंगे तो उस पर कार्रवाई होती है। कि आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया, कल एक महिला जो नेत्री ने बयान दिया था उस पर क्या कहना चाहेंगे? ने कुछ कह दिया किसी की जुबान के, हमारे कोई वो ऐसी तो है नहीं कि भाई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने, वो जवाब अपना दे देंगे। कोई पार्टी का थोड़ा ही है ये। क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? हाँ जी, क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो आप बताएंगे। आप देखिए मीडिया के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, अफसरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो क्या कोई जबान खोल कर दिखाए? कभी किसी पर रेड होता है, कभी किसी को अंदर किया जाता है, कभी किसी की जबान बंद की जाती, क्या है? कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है, विपक्ष के रूप में रहते हुए भी। पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ते थे बीजेपी उसे एक रुपया बढ़ता था अगले दिन प्रदर्शन शुरू हो जाता था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा। देखिए अब किसी ने आंख मीचनी है, कुछ देखना नहीं है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर होती है, होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाना वो हमारा कर्तव्य है। चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे ये जैसा मैंने कहा एलपीजी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, समय समय पर कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे। ओम प्रकाश चौटाला साहब कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे सेंटर के अंदर भी और स्टेट में भी, क्या कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक रखती है? वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। जी, किसान आंदोलन में लगातार किसान जो है सड़कों पर है, लेकिन सड़कों पर किसान रहने के बाद भी जो है प्रस्ताव लाने वाली थी कांग्रेस, उसका क्या रहेगा? जब सदन सत्र होगा विधानसभा का तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मैम, किसान आंदोलन को कभी राजनीतिक अखाड़ा बता दिया जाता है, कभी शाहीनबाग बता दिया जाता है, कभी खालिस्तान बता दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके? कभी टेररिस्ट बता दिया जाता है, कभी कुछ, कभी क्या आजकल नए आंदोलन जीवी बता, परिजीवी, आंदोलन जीवी, नए नए शब्द सुन रहे हैं हम आजकल लोगों के प्रति। क्या मंशा समझते हैं मैडम इसके पीछे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में
ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अपनी आवाज विरोध प्रदर्शन करने का सबका हक होता है। दिशा को एक लड़की को बीजेपी ने 258 वादे किए थे अपना संकल्प पत्र बताकर 2019 में, क्या समझते हैं कितने वादे पूरे हुए? उनका संकल्प यही है कि असली बात को छिपाओ और लोगों को बरगलाओ, इनका संकल्प पत्र यही। अच्छे दिन किन के लिए आए हैं मैडम? अच्छे दिन आए हैं मोदी सरकार के और इनके हम दो हमारे दो के। एलाहाबाद और कालका में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस? देखो कालका की जहां तक बात है, आपने देखा कि वहां की स्थिति अलग थी और जिस तरह से जिस तत्परता से माननीय स्पीकर साहब ने उसमें एक्शन लिया, ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको लीगली भी फाइट किया जा रहा है और आगे देखेंगे क्या स्थिति बनती है, लेकिन जो स्थिति होगी उसके लिए हम तैयार हैं।